कैसे पवन के फैंस ने जमकर बदला लिया खेसारी के नए सॉन्ग लालटेनिया से। जी हाँ, खेसारी के नए सॉन्ग लालटेनिया ने 9 घंटे में 6.3 मिलियन व्यूज़ हासिल किया है। और आपको बता दें कि इस गाने लोगों ने फ्लॉप करार दिया। लोगों ने क्यों? पवन के फैंस ने। तो इसके पीछे रीज़न भाई ये बताया जा रहा है कि इस गाने पे लगातार ऐड चलाए जा रहे हैं। जी हाँ, ये ऐड के द्वारा ही गाना आगे बढ़ा है, वरना इस गाने के इस वक्त जितने व्यूज़ हैं यानी 6.5 मिलियन व्यूज़ जो हैं इस वक्त ऑन स्क्रीन आपको 9 घंटे में जो दिख रहे हैं, इसके बावजूद तो इस गाने को ट्रेंडिंग में होना चाहिए था। लाइक्स की बात करें तो सिर्फ 1 लाख लाइक्स हैं, तो ऐसे में कोई भी गाना कैसे ट्रेंड नहीं कर सकता है। और फिर हमारी नज़र ऐसे जगह पड़ी जहां पर ये पता चला कि भाई इस गाने पर तो ऐड चलाया जा रहा है, और ये देखिए सबूत। जी हाँ, इस गाने को बकायदा ऐड के द्वारा चलाया जा रहा है। अचानक से इस गाने का व्यूज़ बूस्टअप हो गया है। जी हाँ, कहा जा रहा था कि पहले इस गाने पर ऐड नहीं लगाया गया था। आदिशक्ति फिल्म्स के बैनर तले ये गाना रिलीज़ हुआ था, पहले इस गाने पर ऐड नहीं लगाया गया था। बाद में जब देखा गया कि गाना बिल्कुल नहीं चल रहा है, फ्लॉप हो चुका है, तो इस गाने पर ऐड चलाया गया। और ऐड का नतीजा ये रहा कि ये गाना व्यूज़ वाइज इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया। अब ये व्यूज़ वाइज अगर आगे बढ़ गया तो हम आपको बता दें, पहले किसी भी चीज़ पर ऐड लगाना गलत बात नहीं होती है, लेकिन जब पवन के गानों पर ऐड लगता है तो खेसारी के फैंस चिल्ला चिल्ला कर पवन को ऐड स्टार कहते हैं, और ये कहते हैं कि खेसारी उनसे बड़े स्टार हैं, ट्रेंडिंग स्टार हैं। लेकिन इन दिनों लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि खेसारी के तकरीबन हर दूसरे गाने को ऐड के द्वारा ही व्यूज़ लाया जा रहा है, और ऐसे में खेसारी की टेंशन मार्केट में बहुत बढ़ गई है। वैसे आपने देखा होगा कि पवन का जो सॉन्ग था पहला सोमवारी, उसे खेसारी के फैंस ने कहा था कि पवन का पहला ही बोलबम सॉन्ग फ्लॉप है। और ऐसे में पवन के कुछ लोग लाइव आकर ये बता कर गए कि ये गाना फ्लॉप नहीं है, लेकिन खेसारी के कुछ फैंस ने ये पूरी गलत न्यूज़ फैला दी कि ये फ्लॉप गाना हो चुका है, और इस वजह से पवन सिंह का पहला जो सॉन्ग है बोलबम का, ये फ्लॉप हो चुका है। लेकिन अब पवन के फैंस ने एक मुहिम चला दी है, खेसारी के लालटेनिया गाने को फ्लॉप करार दिया है। कहा है कि इस गाने ने तो तकरीबन 5 घंटे के अंदर भी 1 मिलियन व्यूज़ क्रॉस नहीं किया था, इसे ऐड के सहारे चलाया जा रहा है। और फिर हमारी भी नज़र कुछ ऐसे वीडियोस पर पड़ी जहां पर ऐड के सहारे इस गाने को चलाया जा रहा था। वैसे भी आज जो पुदीना वाला सॉन्ग, पी लो पुदीना वाला सॉन्ग पवन सिंह का रिलीज़ हुआ है, वो सॉन्ग बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग है, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है। ये गाना ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, मात्र 3 घंटे के अंदर ही ये गाना ट्रेंडिंग में आ गया था। और फिर उसके बाद पवन सिंह के फैंस में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इस गाने ने तो भाई 5 घंटे में 50 लाख का व्यूज़ हासिल किया, यानी कि 5 घंटे में 5 मिलियन व्यूज़ हासिल किए। क्या कहना चाहेंगे आप खेसारी के इस गाने के बारे में? क्या आपकी नज़र में वो फ्लॉप सॉन्ग है? और पवन सिंह के पीलो पुदीना के बारे में आपकी क्या राय है? हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए।